ना कहीं मेरे अंदर भी रोम रोम से कविता फूट रही है और मैं फट पढ़ने को तैयार हूँ, तो अगर आप मौका देंगे तो मैं वहाँ आकर बोलना चाहूंगा। नाम नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम शरद त्रिपाठी है। शरद त्रिपाठी जी, आपने जिस आत्मविश्वास के साथ कहा है कि मैं आना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, तो हम रोकने वाले कौन होते हैं भाई? आइए जरा शरद त्रिपाठी जी, आइए, जोरदार ताली। यहाँ पर कविता पाठ हुआ, वैलेंटाइंस डे की बातें हुई, प्रेम की बातें हुई, और ये हमारे जितने भी विशिष्ट मेहमान हैं ये सब बेसिकली हमारे काफ़ी बुज़ुर्ग लोग हैं जो ऐसी प्रेम की बातें कर रहे हैं, और बुज़ुर्गों के मुंह से कोई भी बात हो उपदेश ही लगती है। ये गलत बात है, आप गाली गलौज मत कीजिए, आप हमें भूतपूर्व नौजवान कह सकते हो। चलिए, क्या बात है। तो ये पंक्तियाँ सभी भूतपूर्व नौजवानों को कि वो कैसे फील करते हैं मोहब्बत की बातें, उनके ज़माने की बातें शुरुआत करते हैं कि नई दुनिया में वो किस्सा पुराना याद रहता है, अपने बचपन का हर गुजरा जमाना याद रहता है, भले सर की कही बातें कभी सर में नहीं डाली, पर उसका कोचिंग अक्सर लेट आना याद रहता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और सर्दियों में जो पहली बार मिलने के लिए पहना, हाय हाय, भले कुछ भी हो वो स्वेटर पुराना याद रहता है, और बस हेलो बोल करके कांपना, खामोश हो जाना, गलती से कहीं से नंबर मिल गया अगर लड़की का, बहुत अच्छा, फोन मिला दिया रॉन्ग नंबर के नाम पे ही, कि बस हेलो बोल करके कांपना, खामोश हो जाना, और फ्रेंडशिप में किया पहला बहाना याद रहता है, बहुत अच्छा। और वो बाइक पे भले ही बैग रख कर बीच में बैठे, क्या बात है, बहुत अच्छे सर, कि वो बाइक पे भले ही बैग रख कर बीच में बैठे, तेज चलने पे कंधे को दबाना याद रहता है, और अपनी कॉपी के पीछे नाम उसका लिख के चूम लेना, और फिर उसको काट कर ड्राइंग बनाना याद आता है। चलो हाँ ठीक है, डेटिंग वगैरह सीख ली, लेकिन उसके संग छत पे छुप के मठरी खाना याद रहता है, उसके संग छत पे छुप के मठरी खाना याद रहता है। और चलते चलते शैलेश जी, नेहा जी की यहाँ पे कई सारे लोगों ने कई सारी बातें की, सिर्फ दो लाइनें नेहा जी आपके लिए। मोहब्बत में क्या होता है, आदमी थोड़ा बेबाक हो जाता है, तुम तो लाइन दो बस, थोड़ा गुस्ताख हो जाता है। खूब जमेगी हम दोनों में, मेरे जैसी तुम भी हो, थोड़ा झल्ला अगर मैं ठहरा, थोड़ी झल्ली तुम भी हो, जात पात और दुनियादारी अपनी समझ के बाहर है, थोड़ा उम्र में छोटा हूं मैं, थोड़ी बच्ची तुम भी हो। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, जोरदार तालियां शरद के लिए, बहुत अच्छा। भाई शरद ने बहुत बढ़िया कविता सुनाई, और जो आखिर की दो लाइनें थी वो तो कमाल की थी। मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा ठीक करना चाहता हूँ। नई पीढ़ी क्या है, नजर की थोड़ी सी कमजोर है, कि जो हिरनी सी खूबसूरत है वो घोड़ी नजर आती है, देखो, और जो पूरी झल्ली है वो थोड़ी नजर आती है। भाई पूरी झल्ली का मतलब ये, झल्ला मतलब पागलपन, और इश्क पागलपन नहीं है तो क्या है, प्यार तो प्यार है, वो आपकी आत्मा में बसा है, मेरी आत्मा में बसा है, और जब आत्मा में प्यार बसता है तो आदमी भूल जाता है कि वो दिन है या रात है। वाह वाह क्या बात है।